press the bell icon for all the updates. टाइगर श्रॉफ स्पॉट हुए फिल्मेकर संजय लीला भंसाली के ऑफिस से निकलते हुए, जिससे खबरें चलने लगी है कि क्या उन्हें संजय लीला भंसाली ने अपनी अगली फिल्म में लिया है। सिंगापुर से लौटी जानवी कपूर स्टार डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ डिनर पर गई थी। ब्लैक टी शर्ट और हॉट डेनिम्स में बेहद खूबसूरत लगी जानवी। जानवी की डेब्यू फिल्म धड़क सभी को पसंद आई है। 3 साल से नहीं की कोई फिल्म, कैसे घूम रहे हैं अभिषेक बच्चन? इंटरनेट पर एक यूजर ने अभिषेक बच्चन को एक सवाल से छेड़ा। अभिषेक ने स्मार्टली इसे टैकल किया, जवाब में कहा, क्योंकि सर मेरे पास दूसरे बिजनेस है जो एक्टिंग के अलावा है और मैं फिल्में प्रोड्यूस करता हूँ। इन बिजनेस में से स्पोर्ट्स भी एक है। जानवी कपूर के बाद अब उनकी बहन खुशी कपूर एक्टिंग की दुनिया में कदम रख सकती है। खुशी और जानवी के पिता बोनी कपूर ने खुलासा किया कि खुशी कपूर को अब एक्टिंग में ज्यादा रुचि होने लगी है और वो एक्ट्रेस बनने का ख्वाब मन में सजा रही है। सलमान खान को टीवी पर सामना करना पड़ा एक ऑकवर्ड सिचुएशन का। ये हुआ सलमान होस्टेड शो 10 का दम पर, जहां दर्शकों ने उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से चीयर किया। दरअसल अनिल कपूर अपने आने वाली फिल्म फने खान को प्रमोट करने 10 का दम पर आए थे और वहीं पर ऐश्वर्या राय बच्चन का फिल्म में रोल मेंशन हुआ, जिसके बाद सलमान का रिएक्शन देखने लायक था। दीपिका पादुकोण के वैक्स स्टैच्यू से ज्यादा इस स्टैच्यू की स्पेशल लेदर पैंट्स ने लाइमलाइट छीनी, क्योंकि दीपिका के पुतले को पहनाए जाने वाली पैंट्स की कीमत 1,68,000 के करीब है। इसी के साथ इस स्टैच्यू में दीपिका गोल्ड की इयररिंग्स, एक घड़ी और कई सारे ब्रेसलेट पहने नजर आएंगी। दीपिका की स्टैच्यू अगले साल लॉन्च की जाने की खबर है। जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क ने पार कर लिया 50 करोड़ रुपयों का आंकड़ा। इस खुशी के मौके पर फिल्म की टीम ने मुंबई में सक्सेस पार्टी और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। Made all of us so proud, Janvi. And have you, like a good student, like a good first-time actor, gone online and read everything written about you? Every single thing I've read. Every word. And what did you do? Did you do a yay when they praised you, and did you do a nay when they didn't? I did like a yay times 100 when they praised me. Yeah. And then I cried secretly in my bathroom when they didn't. So I've done all of it. I've gone through all of the beats. You've been through the. शुरू हो गया है इंडिया कुटोर वीक 2018 और डे वन पर रैंप पर कंगना रनौत ने फैशन का जलवा बिखेरा। वहीं अदिति राव हैदरी ने भी अपने खूबसूरत लुक से शाम में 4 चांद लगा दी। एक्स लवर सलमान खान और कटरीना कैफ का होगा महामिलन और इस मिलन की शाम को सजाया है स्टार डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने। 1 अगस्त 2018 को सलमान खान और कटरीना कैफ मनीष मल्होत्रा के लिए बनेंगे शो स्टॉपर। खबरें हैं कि दोनों एक साथ रैंप पर चलने वाले हैं। आलिया भट्ट के लिए रणबीर कपूर बने फोटोग्राफर। रणबीर ने आलिया की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर ली, जिसमें आलिया अपने दोस्त आकांक्षा रंजन के साथ बालकनी में पोज कर रही थी। आलिया ने रणबीर की इस खींची हुई फोटो को शेयर किया और लिखा, द व्यू एंड हर टू, फोटो क्रेडिट आर के। रणबीर और आलिया बल्गेरिया में ब्रह्मास्त्र के लिए शूटिंग कर रहे हैं।